नेशनल हाईवे 344 जो जनपद सहारनपुर के देहरादून से लेकर दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग को जोड़ने का काम करता है। अभी बीती रात आपको दो दिन पूर्व बता दें, जिस तरह सोशल मीडिया से लेकर तमाम टीवी चैनलों पर यहाँ की एक विवादित वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई थी। आखिर उसकी वीडियो की सच्चाई क्या है, उसको ग्राउंड लेवल पर जानने के लिए बीजी न्यूज़ की टीम यहाँ की जो लोकल की आसपास की लड़कियां हैं, जो यहाँ टोल कर्मी पर जो जितने भी कार्यरत रहती हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। नाम जानना चाहेंगे बहन आप? शिवानी सर। शिवानी कहाँ की रहने वाली है? बोनसा से। बोनसा, ये तो नजदीक में पड़ता है। जी। कब से कार्यरत हैं यहाँ पर? यहाँ से मुझे 15 दिन हो गए सर। 15 दिन हो गए। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जहाँ पर कुछ लोग जो आपके भाई हैं, यहाँ के टोल कर्मी हैं, किस तरीके से एक बेरहमी से एक आदमी को पीट रहे हैं। उनकी भी होती है, रूल सबके लिए एक समान होते हैं, और यानी चाहे वो बड़े से बड़े मैनेजर क्यों ना हो, रूल उसके लिए भी होंगे और गरीबों के लिए भी एक होंगे। तो हमें ये ऐसा उनमें और उसमें और हमें फ़र्क क्या रहेगा, क्योंकि वो अमीर है इसलिए वो लड़कों को कुछ भी मार के चले जाएगा, हमारे टोल का नुकसान करके चला जाएगा। आपके साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है कभी जब आप ऑन ड्यूटी बैठती हैं? हाँ जी बिल्कुल होता है। ये बोलते हैं कि अगर हम टोल नहीं देंगे तो यानी हम तुम्हारे यानी वीडियो वायरल करेंगे, क्यों करेंगे वो हमारी वीडियो? आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं आप अपनी? हाँ जी हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए ये होना नहीं चाहिए। चलिए अन्य लड़कियां भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? शिवानी सर। शिवानी कहाँ के रहने वाले? ये सर सावा पास। किस तरीके से आप देखते हैं, जैसे पूरा प्रकरण हुआ, काफी विवादित वीडियो चल रही है आप लोगों की, क्या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं सच्चाई है, कहीं क्या झूठ है इसके अंदर पूरा? सर देखिए, गलती सिर्फ टोल वालों की नहीं होती है, लोग आते हैं रूल्स के खिलाफ जाते हैं, और पहली बात तो लोग यहाँ पे आते हैं टोल को अपने बाप की जागीर समझते हैं, ठीक है, वो आते हैं रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हम उन्हें बताते हैं तो बदतमीजी करते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो कोई हो, वो हमेशा बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, तब जाके उन्हें जवाब दिया जाता है। ऐसे समय पर आप लोग क्या करते हैं? देखते तो कुछ शरारती तत्व के आदमी भी आते होंगे, शराब पी कर भी आते होंगे, तो उस टाइम पे क्या स्थिति रही, कैसे मैनेज करते हैं उस स्थिति को आप? सर हम उनको दो ही बातें बोलते हैं सर, या तो आप गाड़ी बैक कर लीजिए, नहीं तो आप रूल्स फॉलो कर लीजिए। वो बदतमीजी करते हैं, रूल्स फॉलो नहीं करते, तो हम अपने सीनियर्स को बुला लेते हैं, वो उनके साथ भी सेम ही बिहेवियर करते हैं, ये गलत बात है सर। टोल है टोल है, टोल ही रहेगा, अपने बाप की जागीर ना समझे। टोल है, आपने बिल्कुल बात सही है। सुरक्षा के लिए कुछ इस तरह का आपको महिला है, लेडीज हैं, तो कुछ सुरक्षा मुहैया लेके सिक्योरिटी वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाती है आपको? नहीं। हाँ जी कराई जाती है, हमारे आसपास सभी रहते हैं, हम बिल्कुल सेफ जोन में। अगर हमारे यहाँ पे लड़के बदतमीज होते तो ये इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ पे काम नहीं कर पाती, ये फर्स्ट थिंग की बात। बहुत धन्यवाद। कुछ और भी लड़के हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है मैडम जी आपका? रितु सर। रितु। रितु कहाँ के रहने वाले? बिकनपुर से सर। क्या करते हैं आप यहाँ पर टोल पर? जॉब करते हैं सर। जॉब करते हैं, ऑपरेटर हैं, सिस्टम ऑपरेटर। हाँ जी। किस किस चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता होगा? जैसे लोकल के भी कुछ आते होंगे राहगीर, तमाम राज्यों से भी सीमाएं जुड़ती हैं, तो कैसे सामना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर बहुत से तो बदतमीजी के साथ बोलते हैं, कहते हैं तो टोल दे दो वरना मैं निकाल दो, अन्य मारेंगे तुम्हें। तो कभी आपके साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ? नो सर, एक दिन हुआ था तो वह आगे निकल के उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी सर। हाँ जी, वो कह रहे थे निकाल दो या नहीं, अन्य हमारे साथ में चलो। तो जैसे दर्शकों, हमने आपको नेशनल हाईवे 344 जनपद सहारनपुर के सरसावा थाना लगता है, और एक तरफ बात करें जिला यमुनानगर लगता है, तमाम आपको सच्चाई की तस्वीरें दिखाई। आखिर इस वीडियो की क्या सच्चाई थी, उसको जानने के लिए हम ग्राउंड लेवल पर उतरे थे।